क्वेश्चन हम लोग करेंगे समझेंगे। पहला जो है आपका रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, और दूसरे में किरचॉफ्स रूल का यूज करके करंट फाइंड करेंगे। तो दो क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है, इन दोनों को पहले समझिए और अच्छे से इसको नोट कीजिए। करना आपको सारे एग्जांपल क्वेश्चन है, जो ना है उसको इस बीच में आप हमको बताएंगे तो उसको भी हम समझा देंगे। तो आज दो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वी आर सीइंग द एग्जांपलर क्वेश्चन। एग्जांपलर क्वेश्चन मीन्स द चैप्टर्स एग्जांपलर्स, जो चैप्टर में एग्जांपल दिए हैं उसको हम देखते हैं। पहले देखिए, ये एक एग्जांपल है। आप वैसे तो सारे एग्जांपल करेंगे, जितने भी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो सारे एग्जांपल्स करना है। इसको देखते हैं, एक अलग अलग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर आपका 3.5 है शायद, चेक कर लीजिएगा। ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। एक आपका ये नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 16 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और इसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं ये दो जगह पर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इसमें 1 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। एज शोन इन द फिगर, फर्स्ट क्या कहा है उसने, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये टोटल इस दोनों का एक आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है टू ऑब्टेन द करेंट इन ईच रजिस्टर्स, हर रजिस्टर से कितना करेंट जो है फ्लो हो रहा है। और थर्ड आपको बताना है कि ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, ये जो पॉइंट दिया है ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, बी और सी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है और सी और डी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम समझते हैं। फर्स्ट देखिए, नेटवर्क इज सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। यहाँ दोनों 4 सेम रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर ये 12 ओम है, 6 ओम है, तो ये तो पैरेलल में लगे हैं लेकिन ये इसके साथ में सीरीज में लगा हुआ है। तो फर्स्ट द 4 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट टू द रजिस्टर्स। ये दो रजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर्स कितना होगा, अगर वह आर इक्विवेलेंट हम लिखें तो 1/R1 + 1/R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R1 + R2 / R1 R2, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा टोटल, ये उल्टा हो जाता है, दैट विल बी R1 × R2 / R1 + R2। तो इसमें दोनों 4 है, R1 और R2 दोनों जगह पर 4 रख दिया है, तो ये आ गया आपका, कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ गया 2 ओम। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं 12 ओम और 6 ओम, ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो द सेम वे द 12 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर्स आर आल्सो इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स आर 12 × 6 / 12 + 6। इसी फार्मूले से आपका फार्मूला जो है यही रहेगा, आपका R1 × R2 / R1 R2, ये R इक्विवेलेंट का हो जाएगा। तो 12 × 6 / 12 + 6, दिस विल बी 4 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस R ऑफ द नेटवर्क इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द सीरीज। अब क्या है, ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है, तो जब इनको हम देखेंगे, जब दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो अब ये किस में हो जाएंगे,
सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे? आर द नेटवर्क ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग द सीरीज। तो ये भी आपका सीरीज में हो गया, इसका आंसर, ये आपका दोनों पैरेलल में था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, ये 1 ओम आपका अलग से है ही है, और ये आ गया आपका 4 ओम। तो यहाँ पर 2 ओम, 1 ओम और ये 4 ओम तीनों आपका सीरीज में आ गया है, इसलिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2 ओम। R1 क्या होता है? जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से होता है। तो ये आपका 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 7 ओम। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया कि कितना ये तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर टोटल हमको करंट भी पूछा है उसने कि द टोटल करंट आई इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने फराय फार्मूला ये I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। E क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और वो दिया है आपका 16 वोल्ट, और कैपिटल R है आपका, ये यहाँ पर आपने अभी कैलकुलेट किया कितना है, दैट विल बी 7, और ये जो लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ये 1 ओम है और ये निकाला है आपने 7, तो ये कैपिटल R 7 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 हो गया, तो ये आ गया टोटल 2 एम्पियर। कंसीडर द रेजिस्टर्स बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान दीजिए, उसने ए और बी के बीच में पूछा था, कंसीडर द रेजिस्टर्स बिटवीन ए एंड बी, इफ I1 इज द करेंट ऑन ऑफ द 4 वॉट रेजिस्टर्स, मतलब इन दोनों रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना है 4 वाट का। द I2 इज द अदर, दूसरे में अगर I2 है तो क्या होगा, ये आपने पहले से फार्मूला पढ़ा होगा कि इसका जो करंट V इज इक्वल टू IR, यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू IR, तो ये दोनों के लिए कितना हो जाएगा बराबर, तो ये हो गया I1 R1 I2 R2। तो यहाँ पर I1 R की जगह पर 4 है और दूसरे में I2 R इंटू 4 है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों इफ I1 इज इक्वल टू I2 विच अदरवाइज ऑब्वियसली फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द टू आर्म्स, देन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, दैट विल बी I1 और I2, I1 दोनों में 2-2 एम्पियर का करंट है, तो I1 प्लस I2 ये आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू सिमिलर, दैट विल बी 2 एम्पियर, ये ध्यान दीजिए। इसलिए यहाँ पर जो करंट आया आपका I1 और I2 दोनों आपका सिमिलर है, वो जाएगा 1-1, Y1 प्लस I2, 1 प्लस 1, 2 एम्पियर, दैट इज द करेंट इन ईच 4 वॉट रजिस्टर्स इन 1 एम्पियर इज 1 एम्पियर। जो 4 वॉट के रजिस्टर्स हैं उसमें 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है। द करेंट इन 1 वॉट रजिस्टर बिटवीन बी और सी के बीच में टू बी 2 एम्पियर। Now consider the resistance between C and D, C और D के बीच में कितना हो जाएगा? If I3 be the current in the 12 watt of the resistors, ये जो है आपका जो ये 12 watt resistors है उसमें अगर I3 suppose कर रहे हैं तो ये, और इसमें and I4 is the 6 resistors, ये दूसरे वाले में 6 है, मतलब इसमें आपका 1 एम्पियर दोनों में है, इसमें I3 ये मान लिया हमने I1 है ना, ये I1 मान लिया है यहाँ पर, और ये I2 और ये I3 और ये I4, I1 I2 I3 एंड I4 टोटल करंट इतना बह रहा है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट V इज इक्वल टू IR, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR,
तो ये i3 इंटू 12, i4 इंटू 6, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये i4 की वैल्यू आ जाएगी 2i3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये दिया हुआ है i3 प्लस i4 इज इक्वल टू i, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है और वो है आपका 2 एम्पियर। यहाँ पर y सब में दिया है 2 एम्पियर, मतलब 1 1 1 प्लस 1, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका i3 इज इक्वल टू 2/3a। ये आपका i3 प्लस i4, ये वैल्यू यहाँ से निकाल करके और i3 और i4 में रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये मैंने करके अलग से आपको बताया है, जैसे i3 प्लस i4 इज इक्वल टू 2 है ना, ये दिया आपने i3 प्लस i4 इज इक्वल टू 2, ये अलग से मैंने आपको करके दिया हुआ है। तो i3, i4 और i3 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर कितना रख दिया हमने i3 को, तो i3 रहने दिया और i4 इज इक्वल टू कितना है 2i3, तो i4 की जगह ये रख दिया 2i3, तो ये आ गया आपका i3 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 3i3 इज इक्वल टू 2, तो i3 इज इक्वल टू 2/3 और i4 इज इक्वल टू 4/3। अब ये i3 और i4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज करंट इन द 12 वॉट रेजिस्टर्स इज 2/3 एंड व्हाइल द करंट ऑफ 6 वॉट रेजिस्टर्स इज 4/3। तो इस तरीके से जो तीन चीजें उसने पूछी हुई थी, पहली चीज उसने क्या पूछी थी, टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं, रेजिस्टेंस कितना है, सेकंड में उसने टोटल करंट पूछा था, और थर्ड में उसने ए बी बी सी और सी डी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये उसने पूछा था। तो ये तीनों चीजें आपकी पता लग गई, ये आपका है सेकेंड, ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें रेजिस्टेंस पता लगाना है, करंट पता लगाना है और साथ में आपका टोटल दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये भी पता लगाना है। जैसे दिया हुआ है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, तो ये दिखा है ए बी इज इक्वल टू i1 इंटू 4 ए बी के बीच में, i1 ये ए और बी के बीच में i1 हमने माना हुआ है, तो इसमें 4 ओम रेजिस्टर्स हैं, तो i1 इंटू 4, तो i1 की जगह ये रख दिया 1 एम्पियर और 4, तो ये 4 वाट आ गया। तो दूसरा ए बी के बीच में ये हो गया, उसके बाद बी सी के बीच में 2 बी सी बी बी सी वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू बी बी सी, तो ये आ गया इसमें V इज इक्वल टू आई आर, तो आई यहाँ पर 2 ओम 2 एम्पियर करेंट है, ठीक है, और रजिस्टर्स 1 ओम का लगा हुआ है, तो ये आ गया आपका 2 वोल्ट। फाइनली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी डी, सी और डी के बीच में कितना वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर 12 ओम है और i3 है आपका 12 ओम i3, तो 12 ओम और i3 की जगह 2/3 रख दिया हमने, तो ये आ गया आपका कैलकुलेशन, दैट विल बी 8 वोल्ट। तो अगर इस तरीके से हम निकाले कि 9 टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए डी कितना जाएगा, ए और डी के बीच में, दोनों के बीच में, ये अलग से पूछा नहीं है उसने, उसने तो ए बी बी सी और सी डी पूछा है, हमने ए डी और निकाल दीजिए, तो ये आपने जो निकाला 4 वोल्ट ए बी के बीच में, बी सी के बीच में 2 वोल्ट और सी डी के बीच में 8 वोल्ट, ये तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गया आपका 14 वोल्ट। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज 14 वोल्ट व्हाइल द ईएमएफ इज इक्वल टू 16 वोल्ट। अब जो आप निकाल रहे हैं उस हिसाब से आ रहा है 14 वोल्ट, लेकिन ये दिया हुआ है 16 वोल्ट, तो लॉस ऑफ वोल्टेज कितना, लॉस ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट का हो गया, 14 और 16 माइनस 14 2 वोल्ट का, अकाउंटेड बाय द टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस
1 ओम ऑफ द बैटरी, तो उसका अगर वैल्यू निकालना चाहे इंटरनल, तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ भी, तो ये 2 ओम है, 2 एम्पियर है और 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो दैट विल बी 2 इंटू बी। तो ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमने इसको निकाल करके बताया है कि ये दिया हुआ है, ऐसा आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये तीनों आपका पार्ट हो गया, फर्स्ट ए बी और सी पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसे दिया हुआ है डिटरमाइन द करेंट इन ईच ऑफ द ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोइंग। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये ब्रांचेज में आपको सब कुछ शो कर रहा है। जैसे यहां से देखें, ये देखिए करंट यहां से इधर जो फ्लो हो रहा है दैट विल बी आई वन, ये आई वन करेंट है। तो अगर इधर आई टू जाता है तो इधर कितना फ्लो होगा, देखिए आई वन में से आई टू माइनस कर दिया है, आई टू आई वन माइनस आई टू उसने दिया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ 1 ओम लगा है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट का है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। इसी तरीके से इस ब्रांच में देखें, बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ ये करंट कितना दे रहा है, ये आई टू प्लस आई थ्री, तो यहाँ पर आई टू प्लस आई थ्री, तो यहाँ से आई वन निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, तो ये टोटल करंट इसमें फ्लो रहा है, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस में, और इधर जो करंट जा रहा है आई थ्री, इधर जो जा रहा है आई थ्री, ये पोटेंशियल ड्रॉप तो बैटरी लगा है 5 वोल्ट का, इधर लगा हुआ है। तो इसमें उसने पूछा है डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोइंग। तब यहाँ पे कौन सा ऑफ लॉ लगाएंगे, लूप लॉ लगाएंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, हम इसको किस से करेंगे, किरचॉफ्स के लूप लॉ से। ईच ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज असाइंड इज नोन एज द करेंट टू बी डिटरमाइंड by the application of the Kirchhoff's rule. Reduce the number of unknown at the outset. First, the rule of Kirchhoff is use at every junction to assign the known current in the each branch. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने जब Kirchhoff law बताया था तो हमने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जो डायरेक्शन बताए थे वो ध्यान देना पड़ेगा कि हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम जिस तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं और करंट का फ्लो उसी डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये आपका किरचॉफ्स रूल से, when we have three unknown I1, I2, I3 current which can be found by applying the second rule of Kirchhoff's, three different closed loop का मतलब जैसे आप किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं जिस तरीके से चाहें, लेकिन जो साइन की प्रॉब्लम है वो आपको समझना पड़ेगा कि साइन कहाँ से लेंगे, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो लूप्स, जैसे पहला लूप हमने बनाया, इसमें किरचॉफ्स सेकंड रूल फॉर क्लोज लूप, किरचॉफ्स रूल किसमें लगता है, क्लोज लूप के लिए लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बंद परिपथ के लिए। तो ये बंद परिपथ क्या लिया, ए बी सी और फिर से ए, ये आपका एक क्लोज लूप आ जाएगा। दूसरा क्लोज लूप लेंगे तो इस तरीके से ए बी सी और ए आ जाएगा, और तीसरा क्लोज लूप लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी डी ई बी। तो इस तरीके से तीन ब्रांचेज में डिवाइड करके हम इसका टोटल करंट और टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे, डिटरमाइन द करंट इज ईच ब्रांच। ठीक है, तो पहला इसमें लगाते हैं सेकेंड रूल फॉर द क्लोज ए डी सी ए, ए डी सी ए, तो यहां पर देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 वोल्ट का। तो ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिए,
किरचॉफ सेकेंड रूल से ये 10 वोल्ट का इस पूरा क्लोज रूप में पोटेंशियल ड्रॉप है आपका 10 वोल्ट। और आप ध्यान दीजिए, यहां से पोटेंशियल सेल जब लगा रहता है तो आप अगर इस तरीके से ए किस तरीके से जा रहे हैं, ए डी सी ए, तो ये आपका फर्स्ट जो है ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्शन ये है, तो ये आ गया इसका 10 वोल्ट। अब आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ए डी पहला ब्रांच आ रहा है, ए डी में देखिए 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और करेंट आपका I1 - I2 है। तो देखिए आपका जो डायरेक्शन आप कैलकुलेशन है वो है डी से ए की तरफ, ध्यान रखिए, इसलिए यहां पर निगेटिव साइन लगा दिया, दैट इज द 4 × I, तो ये आ गया 4 × I1 - I2, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से जब डी पर आए तो डी से सी, तो कैलकुलेशन आपका कैसा हो गया, ये इसे इसमें आपने मैंने कहा अपोजिट है, तो इसमें आप देखेंगे कि अब सिमिलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये करंट कितना है I2 + I3 - I1, तो 2 × I2 + I3 - I1 - ये आपका जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया आपका I1। करंट इसमें इसमें 1 ओम का है, तो आप 1 Y1 लिख सकते हैं = अकॉर्डिंग द किरचॉफ्स लॉ इन सभी का सम कितना होगा, 0 होगा। तो इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या बना लिया, देखिए ये 10 को हम एक्चुअली यही रहने दिए हैं, है ना, ये 10 को इधर लिखे हैं लेकिन यही रहने दिया है। ये आपका I1 कितना आ जाएगा, -4 I1 और यहाँ से +-2 I1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 I1 की वैल्यू हम देखें तो ये -4 और ये 2, 4 और 2 6 और ये 1 7, तो ये आ जाएगा 7 I1। I2 को कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो I2 प्लस का है तो 4 I2, यहाँ पर 2 I2 प्लस का है 4 और 2 6, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 6 I2। I3 कितना हो जाएगा, +2, तो उधर जाएगा -2 I3 हो गया। तो ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया ए। सेकेंड क्लोज्ड लूप ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, लेकिन डायरेक्शन आप कैलकुलेशन आप कैसे लेंगे, ध्यान रखिएगा बी ए से जब लेंगे तो दैट विल बी निगेटिव, है ना। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये देखिए इस ब्रांच में भी 10 है, तो यहाँ भी ये प्लस का 10 आ गया। यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ए बी, तो ये आ गया माइनस का AI2 × 4 माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये भी अपोजिट है, तो माइनस ये भी आ गया, ये कितना हो गया 2 2, और ये 2 I2 + I3, ये लिखा है 2 I2 + I3। उसके बाद यहां से ए बी और सी और ए, सी और ए के बीच में I2 कितना है 4, तो ये आ गया 4 I2, तो ये 4 I2 - 2 I2 + I3 - ये I1, ठीक, ये आ गया सेकेंड में। इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना आ जाएगा, ये दैट विल बी, ये 10 को भी हमने यही रहने दिया, इसको हम लेके जा रहे हैं, दैट सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम I1 को देखें कितना है, यहाँ पर I1 सिंगल है, प्लस का I1 हो गया। I2 कितना हो जाएगा, माइनस ये I4 - I2 - 2 = 6, उधर जाएगा +6 I2, और यहाँ से I3 - 2 I3 + 2 I3 हो गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन बी बन गया है आपका, I1 + 6 I2 + 2 I3 = 10, ये बी इक्वेशन ये है आपका। उसके बाद थर्ड क्लोज लूप लेते हैं, ध्यान दीजिए बी सी बी
सी डी ई बी, ठीक, बी सी डी ई बी। अब देखिए यहां पर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको लिख दिया हमने 5 वोल्ट। उसके बाद यहां पर बी से सी की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन कहलाएगा, है ना, तो दैट विल बी I2 प्लस I3 है, यहाँ 2 ओम है तो माइनस 2 प्लस I3। उसके बाद सी से डी के लिए ये भी अपोजिट है, हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अपोजिट है, तो दैट विल बी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 I2 प्लस I3 माइनस I1, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद इधर तो 5 वोल्ट की बैटरी लगी ही है, ये हो गया आपका टोटल, ये कितना आ जाएगा, 5 यहीं पर है, 5 को उधर ले गए हैं हम, यहाँ 5 को उधर लिया गया है, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। I2 कितना रह जाएगा, ये माइनस 2 I2 और माइनस 2 I2, तो माइनस 4 I2। उसके बाद I3 माइनस 2 I3 माइनस 2 I3 तो माइनस 4 I3, ओके, और I1 कितना है, दैट इज द 2 I1, तो ये 2 I1 प्लस का है क्योंकि ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 इक्वेशन बन गए हैं आपको, ये 3 इक्वेशन मिल गया है। आप ऑलरेडी इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो थोड़ा सा हम आपको हेल्प कर देते हैं किस तरीके से, आप देख लीजिए। I1 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, तो इक्वेशन ए बी सी 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, और दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजुअल मेथड, जैसे आपको आता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सॉल्व नहीं किया, अगर आप कहेंगे तो देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो हम बता भी देंगे आपको, हम का सॉल्व करके भी बता देंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.5 एम्पियर, I2 की वैल्यू 5.8 एम्पियर, I3 की 1/7/8 एम्पियर। अब अलग अलग ब्रांच में देख लेंगे द करेंट वेरियस ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क, जैसे ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ये आपका कितना है करंट, ये निकाल लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 5/8, ये I2 दिख रहा है तो I2 की वैल्यू कितनी है 5/8, तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। CA के बीच में, C और A के बीच में, ये आपका 2/2 आ जाएगा, 2/2, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और ये I1 है, तो I1 कितना है 2.5 या 2/1/2। उसके बाद DEB ये ब्रांच दिया हुआ है, इसमें कितना है, तो ये आपका कितना है 1/7/8, यहाँ पर I3 आप देख रहे हैं, दैट विल बी 1/7/8 एम्पियर। इसी तरीके से दूसरा जो आपका दिया हुआ है AD ब्रांच में I1 माइनस I2, तो ये इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका ये 1/7/8 ये आंसर आ जाएगा आपका। CD ब्रांच में C और D के बीच में, CD के बीच में कितना है कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है, दैट विल बी, ये I2 की वैल्यू I3 की वैल्यू ऐड करके I1 की वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 एम्पियर। BC इज इक्वल टू BC ब्रांच में B2C, ये I2 प्लस I3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1/2 एम्पियर। तो ये आपको दिया हुआ है सभी ब्रांचेज में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में पूछा था उसने। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, उसने तो यही पूछा था, अब अलग से समझ लेते हैं कि इट इज इजीली वेरीफाइड दैट किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाइड टू द 3 मेन क्लोज्ड लूप डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल इंडिपेंडेंट इक्वेशन।
अलग से कोई इक्वेशन नहीं है, यही जो इक्वेशन आपको जो बनाई है आपने वही बना है। दैट इज द एवर वैल्यू करंट सेटिस्फाई द सेकेंड रूल फॉर एवरी क्लोज लूप ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल टोटल वोल्टेज ड्रॉप, मतलब एक आपने कहा है कि सभी क्लोज लूप का जो करंट होता है कितना होना चाहिए, जीरो। तो आप सभी का निकाल लीजिए, ये टोटल जो आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ये 5 एम वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 5/8 इंटू 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, और ये 15/8 पोटेंशियल ड्रॉप 4, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज द किरचॉफ्स सेकेंड रूल, ये वेरीफाई करता है किरचॉफ्स के सेकेंड रूल को। तो ये आपका दो क्वेश्चन मैंने बताया, इसको अच्छे से समझिए और करने की कोशिश कीजिए, और जिसको भी समझ में नहीं आए वो हमसे फोन करके या मुझसे कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा। ओके, तो इन दोनों को पहले